है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। तो ये हमारे पास नॉब का कंपोनेंट है। इस नॉब के कंपोनेंट के लिए हमको देखना है 10 कैविटी मोल्ड। तो 10 कैविटी मोल्ड इसका किस तरह से क्रिएट होगा और उस कंपोनेंट को हम लोगों को किस तरह से इजेक्ट करना होगा, तो उस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो ये काम करते हैं, इसके मोल्ड को सबसे पहले देखते हैं। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द कोर पोर्शन। आप इसको मूविंग हाफ भी बोल सकते हो, राइट। और यहाँ पर हमारे पास इसका है फिक्स्ड हाफ। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज द फिक्स्ड हाफ, जिसके अंदर कैविटी वाला पोर्शन है। तो फिक्स्ड हाफ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, राइट। यहाँ पर मूविंग हाफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखते हैं कि भाई इसके अंदर हम लोग इसको किस तरह से इजेक्ट करने वाले हैं। तो कंपोनेंट इजेक्ट होगा बाय द यूज ऑफ स्टीपर प्लेट। स्टीपर प्लेट जो कनेक्टेड है वो रॉड से कनेक्टेड है बाय द बोल्टिंग, ओके। और जो रॉड है वो कनेक्टेड किससे है, इजेक्टर ग्रिड से, ठीक है। तो इजेक्टर ग्रिड जब मूवमेंट करेगी तो हमारा स्टीपर प्लेट भी मूवमेंट करने वाला है। तो ये हमारा क्या है, मैकेनिज्म। तो भाई अगर आपको प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स करना है तो कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मैसेज कीजिए।